Hello guys, I welcome you all. Today we are going to discuss about the uses of format commands. तो सबसे पहले हम start करते हैं format short e command से. आपको type करना है format space short space e. देखो इस command का use इसलिए करते हैं कि जब आपको आपका answer display करना है in the form of exponent but within the 4 decimal place. Got my point? जैसे मैंने एक नंबर लिखा 45 डिवाइडेड बाई 25 एंड देन प्रेस एंटर, तो आपको आपका जो आंसर है वो इस फॉर्म में मिलेगा 1.8000 ई प्लस 00. ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट. ओके लेट्स से कि मैं एक और नंबर लिखता हूं, जैसे मैं लिख लेता हूं 76 डिवाइडेड बाई 36. ओके तो दिस इज योर आंसर 2.1111 ई प्लस 00. देखो अगर जिसको ई समझ में नहीं आ रहा है कि ई का मतलब क्या होता है तो मैं आपको समझा देता हूं. लेट से कि मैं लिखता हूं 2e+5, तो इसका आंसर क्या होगा? यू हैव टू प्रेस एंटर 2000000. 5 zeros आर देयर. दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि जो ये ऊपर लिखा है 2e+5, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई या 2 क्रॉस, जिसको आप बोलते हो 2 क्रॉस 10 टू द पावर 5+5. ओके अगर मैं लिखता हूं 2e-5, तो आपको आंसर कुछ ऐसा मिलेगा. दैट मीन्स इसकी जो पावर है 10 रेज टू द पावर -5 है. आगे बात समझ में? चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट आपकी कमांड है फॉर्मेट लॉन्ग ई. लेट मी सर्च. ओके फॉर्मेट स्पेस लॉन्ग स्पेस ई आपको लिखना है और प्रेस करना है एंटर. मैं भी सेम नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने 45 डिवाइडेड बाई 25 लिखा है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. 45 डिवाइडेड बाई 25, प्रेस एंटर. देखिए अभी जो आपको आंसर मिल रहा है अप टू 16 डेसिमल प्लेस तक मिलेगा एन प्लस 00. दैट मीन्स एक्सपोनेंट की फॉर्म में मिलेगा. ठीक है अगेन दूसरा नंबर ले लेते हैं जो ऊपर हमने लिया था 76 डिवाइडेड बाई 36, प्रेस एंटर. लास्ट टाइम आपको मिला था 2.1111 e+00. यहां पे आपको 2.1111 एंड सो ऑन ई प्लस 00. सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस. ओके नेक्स्ट कमांड इज फॉर्मेट रेट. विच कमांड? फॉर्मेट रेट. ओके लेट मी सर्च. फॉर्मेट स्पेस रेट. रेट स्टैंड्स फॉर रैशनल. व्हेन यू हैव अ नंबर लाइक, सॉरी फॉर दैट, फॉर्मेट स्पेस रेट एंड देन प्रेस एंटर एंड यू हैव अ नंबर इन डेसिमल वैल्यू 25.12. सो एंड देन प्रेस एंटर. सो दिस इज द सिंप्लीफाइड पी बाई क्यू फॉर्म और रैशनल फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल नंबर. ओके लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. लेट से 63.45 एंड देन प्रेस एंटर. सो दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर और यू कैन से क्लोजेस्ट पॉसिबल पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल नंबर. गॉट माई पॉइंट? ओके नेक्स्ट कमांड इज कॉम्पैक्ट. फॉर्मेट कॉम्पैक्ट. सो आई कैन यूज फॉर्मेट कॉम्पैक्ट. फॉर्मेट स्पेस कॉम्पैक्ट एंड प्रेस एंटर. ओके लेट मी राइट वन नंबर. लेट से 45 डिवाइडेड बाई 12 एंड देन प्रेस एंटर एंड ओके सो दिस इज द सेकेंड नंबर, सेकेंड वेरिएबल. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ओके नाउ लेट मी राइट फॉर्मेट स्पेस लूज
assign the same variable. Okay, change the variable. Let's say this is z is equal to 45 divided by 12, and then press enter and take one more variable, t is equal to 79 divided by 23. So now see what is the difference between compact and loose. Format space compact and format space loose. See how they are looking. Can you see? Can you observe the answer? You will definitely say, no, sir, there is no difference between the answer. Yes, there is no difference between the answer, but spacing is there. In case of format space loose, you can see lot more space between the your variable and your answer. Okay, so case mein aapko karna kya hai ki aapka jo output hai wo kaise display ho raha hai. Format space loose mein aapka bahut acche tarike se answer aapko display ho raha hai, space hai, but format space compact mein aapka compact hai. Theek hai, there is no space between the your variable and your answer. Okay, so this is the difference between these two, format space compact and format space loose. So this is all for this video. Thank you so much for watching.